उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। देखे मेरी बात, देखी तो रहा हूँ, और मैं सारी जिंदगी आपको ऐसे ही देखना चाहता हूँ। ऐसी बातें मत करें, ये तहजीब के खिलाफ हैं। फिर मेरी आंखें निकाल दें या सीने से दिल, ये दोनों मेरे काबू में हैं। देखो मिस्टर, यहाँ तुम्हारी शायरी नहीं चलेगी। अरे ये क्या जी जी कर रही, चांदनी मेरे लिए दो जोड़े क्या लेकर आ गई? तुमने फौरन जाकर अपने मामू जान को खबर कर दी। कौन से कपड़े मानी जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रही है? देखो चांदनी मेरी लाडली भांजी और बहू है, अरे तुम चाहो भी तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, एक काम करो, एनएक्सी की सफाई करवा दो, कल से कैफ हमारे यहाँ रहने आ रहे। क्यों मामू जान? बेटा कैफ इस शहर में नए हैं, कल से हमारे साथ एनएक्सी में रहेंगे, जब तक इनका कोई माकूल इंतजाम नहीं हो जाता। खालू जान, आपको और चावल दूं? ना बेटा ना, काफी है। खिरद, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं खाने के साथ आम खाती हूँ, कहाँ है आप? तब सुन साहबा, आपकी शुगर ऊपर नीचे हो जाती है, जरा एहतियात से काम लिया कीजिए। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं बगैर मीठे के खाना नहीं खाती। जहर वो आपके लिए। हाँ हाँ, तो बहुत से बहुत मर ही जाऊंगी ना। वैसे भी मेरे बेटे का कुछ नहीं पता चल रहा। दादू आप दादी को कुछ मत कहा करें, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। बेटा मैं उनका दुश्मन थोड़ी ही हूँ, उनके भले के लिए कह रहा हूँ। बस रहने दे मेरा भला, यूं भी मैं अपने बच्चे के बगैर जी के क्या करूँगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप तबसुम साहिबा, साहिर इंशाल्लाह जल्दी घर आ जाएगा। खालू जान ठीक कह रहे हैं, खाला जान आपको इनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इनका दिल खराब हो जाए। अरे तुम्हें क्या पता, ये तो चाहते ही यही थे कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला जाए, वो चला गया। खाला जान, भला खालू जान ऐसा क्यों चाहेंगे, उन्हें भी साहिर की गुमशुदगी का उतना ही दुख है जितना हम सबको है। अरे छोड़ो, क्या मैं नहीं जानती ये कितने सुकून से सोते हैं? करवटें तो मैं बदलती रहती हूँ सारी रात। अच्छा ठीक है, अगर मैं जिम्मेदार हूँ साहिर के घर से चले जाने का, तो सजा भी मुझे मिलने चाहिए। खालू जान, खाला जान का ये मकसद नहीं। मुझे बखूबी पता है इनका क्या मकसद था, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। खाला जान आपको क्या जरूरत थी सब ऐसी बातें करने की? अरे बेटा मैंने तो यूं ही एक बात कही थी, मुझे क्या मालूम था कि ये इस तरह से रिएक्ट करेंगे। मामू जान कहाँ गए? ये ले माली जान। बस अब ये तुम ही खा लो। खाला जान कर दिया ना सबको नाराज, तुम कोई काम तो वक्त पे कर लिया करो। खिरत तुम जानती भी हो कि मुमानी जान को खाने में आम चाहिए होते हैं, क्यों नहीं लाई थी तुम? मैं भूल गई थी। बस तुम भूलती रहना और सबको इसी तरह नाराज करती रहना, अब बैठो खुद और खाओ ये। और तुम क्यों खाना नहीं खा रही हो, रोबोट बनके क्यों बैठी हुई हो? खाना खाओ चलो। ये तो चाहते ही यही थे कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला जाए, वो चला गया।
अपना राज है। मैं जानता था कि आप माइंड करेंगे, पर ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो न जाने कैसे ये कहानी मेरे दिमाग में आई और मैं यूं पर बोलने लग गया। तुम्हारी कहानी सुनकर फौरन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो बगैर कुछ सोचे समझे मुझे अपने घर में ठहरने की ऑफर कर दी, जिसे तुम ठुकरा नहीं सके। जी डैड। कब जाना? कल शाम को। पैकिंग के लिए तुम्हारी मदद कराऊं या तुम खुद कर लोगे? थैंक यू सो मच डैड, मैं आपसे रोज मिलने आऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, जीते रहो। मामू जान। क्या है बेटा? वो आप खाना खाए बगैर ऊपर आ गए, आपके लिए खाना लाई हूं। जाओ इधर बैठो मेरे पास। मामू जान, मानी जान से बिलावजह नाराज हो गए, हालांकि गलती मेरी थी। मुझे एक बात बताओ खिरत, क्या तुम्हें भी ये लगता है कि साहिर के यहां से चले जाने का जिम्मेदार मैं हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मगर वो नाराज तो मुझसे होके गया था ना, फिर तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? इसलिए क्योंकि वो झगड़ा मेरी वजह से हुआ था, और आपकी तो कोई जाती लड़ाई नहीं थी। हम सब पे बहुत मुश्किल वक्त आन पड़ा आखिरत, खास तौर पे तुम पर। तुमको बेहद सब्र से काम लेना होगा। मामू जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमको तुम्हारी खुशियां लौटा दूं, क्योंकि इस पूरे किस्से में मेरे ख्याल में कसूरवार मैं ही हूँ। मामू जान ऐसा तो ना कहे, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे? तो और मैं क्या करूं, साहिर को कोई पता नहीं चल रहा। मामू जान आप खाना खा लें, खाना ठंडा हो रहा है। साहिर के टॉपिक पे हम फिर किसी दिन बात कर लेंगे। तुम बहुत भोली हो खैरत, तुम्हें इतना सादा दिल भी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं मामू जान, दुनिया में मेरे जैसे भी लोग होने चाहिए ना। अगर हम सभी चलाक हो गए तो फिर मजा नहीं आएगा। कहां से लाती हो तुम इतना हौसला और इतना सब्र? वक्त सब सिखा देता है। वैसे ये बात तुमसे किसने कही कि मैं खुदा ना खास्ता तुमसे नाराज होके आया हूं? ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे खुद महसूस हुआ था कि आप नाराज होके आ गए। नहीं बेटा, तुमसे मैं कैसे नाराज हो सकता? अच्छा आप खाना खा लें, ठंडा हो रहा है। बहुत जिद्दी हो तुम, खिलाई के छोड़ो, पागल हो तुम भी। ये क्या बात हुई अम्मी, अनाया के जाते ही आपने भी मामू के पास जाने का फैसला कर लिया? अरे तो क्या करूं, मुझसे नहीं रहा जाता इतने बड़े घर में अकेले। अच्छा आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा ना, मैं और इंशाल्लाह आपके बगैर कैसे रहेंगे? अरे जान, मैं तुमसे शिकायत पे बात करती रहूंगी ना, और फिर साल दो साल के बाद चक्कर भी लगा लिया करूंगी। अच्छा भाई अब तुम उदास मत हो, और कल आ जाओ मेरी पैकिंग करने के लिए, ठीक है? ओके okay, अब अगर आपने जाने का फैसला कर ही लिया तो ठीक है, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। अरे बेटा अपना मूड खराब मत करो मेरी जान, ठीक है मैं कहीं नहीं जा रही। अब तुम ऐसा करो, तुम और इंशाल
यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? अम्मी इंशाल का आना तो मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अम्मी को भी क्या सोची अभी जाने की, सब चले जाएंगे। बेटा अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो बताना, अगर तुम्हें उनके घर का माहौल पसंद आए तो चले आना। जी रार, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। ब्रेकफास्ट तो नामुमकिन है, लेकिन हर सूरत में लंच और डिनर मेरे साथ करोगे। मैंने अब्दुल्ला को कह दिया है कि कपड़े लॉन्ड्री पर ले जाया करें। डैड आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, हम एक ही शहर में तो है ना, रोज ऑफिस आऊंगा और मुलाकात तो होती रहेगी। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे और उनके लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है, तुम्हें तकलीफ देगा। ट्रस्ट मी डैड, अगर ऐसा होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, अपनी जात पर जबर नहीं करूंगा। करोड़ों की जायदाद के मालिक हो कैफ, लेकिन किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इश्क बड़े बड़ों को निकम्मा बना देती है। चना डैड, अब तो ताने तो नहीं देना मुझे। Wish me good luck. नहीं, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं। अल्लाह तुम्हारे दिल को हमेशा आबाद रखे, और मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हारे लिए उस लड़की का हाथ मांगने जाऊं और वो ना ना करे। थैंक यू डैड। अब आपका साथ आ गया ना, तो अपने शफीक साहब, मैंने सुना है कि आप एक अजनबी लड़के को घर में रहने के लिए ला रहे हैं। आपने सही सुना है, वो लड़का गैर जरूर है लेकिन अपनों से ज्यादा अच्छा है। अपने सगे बेटे को घर से निकाल कर एक गैर लड़के को इस घर में रहने के लिए ला रहे हैं। आपने कभी सोचा कि हमारी पोती है, हमारी बहुएं हैं, घर में ये जवान बच्चियां हैं। मैं अपने मामलात बखूबी समझता हूँ, आपको दखल अंदाजी की इजाजत किसने दी? ये मेरा भी घर है और इस घर के मामलात से आप मुझे बिल्कुल बेदखल नहीं कर सकते। तो फिर क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं आप? वो एक अच्छा लड़का है, उसे हमारी जरूरत है। तो आपने यहाँ कौन सा ईदी सेंटर खोल लिया है कि जरूरतमंदों को लाके यहाँ बसाने लगे? देखिए, उस लड़के ने मेरी जान बचाई थी और अब इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूँ। और रही बात इस घर में रहने की, तो वो बेचारा सुबह का गया शाम को लौटेगा और अपने कमरे में चला जाएगा सीधा। और आपके घर में या आपके घर के मामलों में वो क्यों दखल अंदाजी करने लगा? अरे भाई, दुनिया वाले फिर क्या कहेंगे, कभी आपने ये सोचा? ओहो, दुनिया वाले क्या कहेंगे, इसकी फिक्र में आप क्यों दुबली हुई जा रही है? मैं अपने मामलों को खुद बेहतर समझता हूँ, वो कहते रहे जो कुछ कहना है और जो मुझे करना है मैं करूँगा। ठीक है, कीजिए अपनी मर्जी, लेकिन कल कला को अगर कोई बात ऐसी वैसी हो गई ना तो मुझे इल्जाम न दीजिएगा, मैंने आपको आगाह कर दिया। आप बेफिक्र रहिए, मैं हमेशा की तरह सारे इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा। आप खुश हैं? आप ठीक है, आपका जो जी चाहे करें, बुरी तो मैं ही हूँ। अरे खिरद, ये एक घंटे से लाउंज की सफाई हुए चली जा रही है, कब खत्म होगी? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? जी वो छानी भाभी के लिए चाय बना रही। अच्छा, वो किचन साफ हो गया या वहाँ पर अभी तक बर्तनों के ढेर लगे हुए? जी हो गया साफ। अच्छा ठीक है, अपना काम खत्म करने के बाद मेहमान खाना है ना, उसकी जरा सफाई करवा दे, शाम को कुछ मेहमान आए।
जी, मुझे मामू जान ने बताया था, मैंने सब सेट कर दिया। अच्छा, काम खत्म करने के बाद वॉशिंग मशीन लगा दे, कपड़ों का ढेर जमा हो गया। जी सारी जिंदगी शहला को अकल नहीं आई। रही सही कसर तुम्हारे खानजान पूरी कर देती। खाला जान, इसमें अम्मी का क्या कसूर है? वो तो मामू ने उन्हें जल्दी वीजा भेज दिया, अब उन्हें जाना तो होगा ना। हाँ, कहा तो उसने मुझसे भी था, लेकिन मैंने मना कर दी। अरे खाला जान, क्यों मना कर दिया? आप चली जाती, कम से कम कुछ दिन अपने भाई के साथ अच्छे गुजाराती। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, मैं और आप नईम से मिलने के लिए जाएंगे। जानने, मेरे पास कुछ पैसे रखे, मैं चाह रही थी तुम वो पैसे साहिर को भेज दो, वहां पे न जाने उसके क्या हालात हो। आप बेफिक्र रहे खाला जान, साहिर और नाया वहाँ सेटल हो गए, उन्हें वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आप ऐसा करें कि वो पैसे आप अपने पास संभाल के रखें, जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। खैर, तुम शैला को मेरा बहुत बहुत प्यार कहना, बहुत दुआएं देना। क्या मतलब, आप नहीं जाएंगी मिलने के लिए? अरे बेटा, मैके के नाम पे सिर्फ एक शैला ही तो थी, अब वो भी हम सबको छोड़ के सात समंदर पार जा रही। बेटा, उसका जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, तुम ही चली जाओ। क्या खाला जान, बेटे को सी ऑफ करते हुए तो आपके दिल को कुछ नहीं हुआ था, अब क्यों कुछ हो रहा है? अरे वो तो मैंने बेटे की खुशी की खातिर कड़वा घूंट पी लिया था। मैं कहां चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को अपनी नजरों से दूर करूं, अब भी उसकी आवाज सुन लेती हूं तो दिल जरा सुकून में है, वरना तो बेटा। हाँ, आपके कपड़े प्रेस हो गए। हाँ लाओ मुझे दे दो और तुम जाओ। इसने कहीं हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली होंगी? आए, सुन ली तो सुन ली, बहुत ही अच्छा हुआ सुन ली, कब तक हम इस छुपन छुपाई का खेल खेलते रहेंगे। ये तो है, वैसे मुझे लगता है ये जानबूझ के हमारी सारी बातें सुनने की कोशिश करती है। इसकी तो वही मिसाल है, मुंह मोमने वाला करतूत काफिरों में, जानती नहीं हो तुम इसे? जान की इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या वो जानती है कि साहिर कहाँ है? लेकिन अगर ऐसा है तो उन्होंने ये सब छुपाया क्यों? कैसे पता चलेगा? ऐसे तो वो लोग कभी नहीं बताएंगे। और क्या बात कर रही थी वो कि किससे बात करके उन्हें सुकून मिलता है? साहिर है साहिर से, इसका मतलब वो साहिर। किरत चाची? हाँ इंशाल्लाह, कोई काम था? नल खुला हुआ था, आप कहीं खोए नहीं है? ओ, मुझे ख्याल नहीं रहा। कुछ परेशान है क्या? ठीक तो है? इंशाल, मैं तुमसे अगर कुछ पूछूं तुम बताओगी मुझे? जरूर बताऊंगी अगर मुझे बताओ। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आऊं। जी।
मैंने आपको रोका नहीं था कि आप मेरे पीछे मत आइएगा। मेरी जिंदगी में पहली मुश्किलें कम थी जो आप भी यहाँ पहुँच गए। बस तुमने भी तो गलत किया ना उस्मान, तुम्हें पता भी है कि साहिर यहाँ नहीं। क्या? मैं इस हाल पे क्यों पहुंची हूँ? ना तो मैं बेवा हूं, ना तो मैं सुहागन। मेरे इस हाल का जिम्मेदार कौन है? उजड़े से खाब की ताबीर की तहरीर हो, हाथों की लकीरों से, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्दा दी मारी